गाइस कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए विप्रो जैसी कंपनी में वैकेंसी लेकर आई हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, विप्रो बहुत ही बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी है, और इस मल्टीनेशनल कंपनी में कौन जॉब नहीं करना चाहता। सो मैं आपको बताने वाली हूं बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस हर तरह के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। जी, विप्रो जैसी कंपनी में फ्रेशर्स की भी रिक्वायरमेंट है। जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ को। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर मैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन हिट कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विप्रो जैसी कंपनी में 2022 की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जैसे कि लीड एडमिनिस्ट्रेटर की, टूल्स कंसल्टेंट की, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब है यहाँ पे, प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, डेवलपर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी, डोमेन कंसल्टेंट, और भी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जी हाँ, बहुत सारी पोस्ट यहाँ अवेलेबल है। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे कि लीड एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट निकली है, वो लोकेशन है मैसूर कर्नाटका में। टूल्स कंसल्टेंट की लोकेशन है मैसूर कर्नाटका सेम, और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की लोकेशन रहेगी गुरुग्राम हरियाणा में। हर तरह की लोकेशन यहाँ अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन रहेगी। आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन है हु कैन अप्लाई, कौन कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, इंडिया के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। जी हाँ, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। और फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। जैसे कि कोई फ्रेशर है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जी, आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पोस्ट जो है वैकेंसीज अप्लाई कर सकते हैं विप्रो जैसी कंपनी में। और अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर मेंशन है क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन लाइक बीई, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, एमटेक अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जी, अलग अलग पोस्ट की अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो उसके लिए अलग तरह की आपको पोस्ट मिल सकती है। अगर आप 12वीं पास है तो अलग तरह की पोस्ट आपको मिल सकती है। आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। आप ग्रेजुएट हैं तो भी आपको जॉब मिल सकती हैं। बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको पोस्ट जो है आप एक अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, और यहाँ मेंशन भी है कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की आप पास आउट होने चाहिए। जैसे कि आप एक बहुत लाइक यूनिवर्सिटी के, जैसे CBSE या कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के आप पास आउट होने चाहिए। और जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे एज लिमिट, कौन कौन से कैंडिडेट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी एज के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। जी, मिनिमम 18 साल की आप होनी चाहिए, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू पोस्ट, यानी मिनिमम आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपकी एज आपकी पोस्ट के अनुसार होनी चाहिए। जो भी पोस्ट आपको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वो जॉब मिल सकती है। और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेगी। एजुकेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन, एक्सेट्रा चाहिए होगा, फोटोग्राफ चाहिए होगी, और आपका सिग्नेचर चाहिए। जी हाँ, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो है ग्रेजुएशन की और एजुकेशन की मार्कशीट चाहिए रहेगी, आईडी प्रूफ चाहिए है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये चीज़ें चाहिए होंगी डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है, आप अप्लाई करिए इन जॉब्स को। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ लिखा है विप्रो रिक्रूटमेंट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस विल बी ऑन बेसिस टेक्निकल इंटरव्यू। जी हाँ, आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में आपको टेक्निकली पूछा जाएगा, दूसरा आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। तो ये दोनों टेस्ट होंगे आपके, तो आप इन दोनों टेस्ट के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप अप्लाई करेंगे, आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका इस विप्रो जैसी कंपनी में। और
अब मैं बताने जा रही हूँ आप इस विप्रो जैसी कंपनी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज को। आपको गूगल खोलना है, गूगल में आपको डालना है www.governmentbharti.com। मैं फिर से बता देती हूँ, www.governmentbharti.com आपको गूगल में टाइप करना है और वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज देख सी कि देख पा रहे हैं यहाँ पे उनके साथ साथ मल्टीपल वैकेंसीज भी है, तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, मैंने आपको अभी तक विप्रो की जो वैकेंसीज के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं बहुत सारी वैकेंसीज में से एक को, किसी को भी, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप महिला हो या पुरुष हो, कोई भी एक्सपीरियंस होना फ्रेशर हो, कोई भी इसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सो आज का वीडियो यहीं तक का था। अगली वीडियो में मिलते हैं नई अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।